फाइनली वो दिन आ गया जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद भारत और भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल, अब हम भी कह सकते हैं कि हमारा देश भारत चंद्रमा तक पहुंच गया है, और सिर्फ पहुंचा ही नहीं है बल्कि अब मून के उस हिस्से पर उतरे हैं जिस पर आज तक अमेरिका भी नहीं उतर पाया था। पर 23 अगस्त शाम के 6:04 पर इसरो ने विक्रम लैंडर के जरिए मून के साउथ पोल पर एक सक्सेसफुल लैंडिंग करते हुए इतिहास रच दिया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार लैंडिंग फेज के पाथ पर जाते हुए विक्रम लैंडर थोड़ा सा भी डेविएट नहीं हुआ, और अब हम भी कह सकते हैं कि हमने भी स्पेस में कुछ ऐसा किया है जिसमें हम दूसरे या तीसरे पर नहीं बल्कि पहले नंबर पर आते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ से 384,400 किलोमीटर दूर मून सरफेस पर मौजूद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने एक्सपेरिमेंट और इक्विपमेंट से रिलेटेड डेटा इसरो तक कैसे पहुंचाएंगे, या फिर इसरो इतनी दूर से भी प्रज्ञान रोवर को कैसे कंट्रोल करेगी? वेल सो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। बट ये बात काफी हैरान कर देती है कि मून के साउथ पोल पर लैंड कर चुका विक्रम लैंडर 384,000 किलोमीटर दूर से भी इसरो के IDSN नेटवर्क से कांटेक्ट बनाए हुए है और लगातार एक्सपेरिमेंट के इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। लेट्स एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ चंद्रयान 3 फ्रॉम अर्थ टू मून्स सरफेस। तो 14 जुलाई को LVM-3 M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, जहां लॉन्च के केवल 20 मिनट बाद ही इसरो के इस ताकतवर रॉकेट ने इसे अर्थ के प्रेसाइज 170 by 36,500 किलोमीटर इलेप्टिकल ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया, जिसके बाद सबसे पहले चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को और बड़ा किया और फाइनली 1 अगस्त को ये लूनार ऑर्बिट इंसर्शन परफॉर्म करते हुए अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलकर अपनी डेस्टिनेशन मून की ओर बढ़ गया, जहां फिर 5 अगस्त को ये मून के 173 by 41,762 इलेप्टिकल ऑर्बिट में पहुंचा, और फिर इसने दोबारा अपने इलेप्टिकल ऑर्बिट को छोटा किया, और जब इसका ऑर्बिट 153 by 163 तक पहुंच गया तब 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर सेपरेट हुआ, जिसकी सेपरेशन वीडियो इसरो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर अपलोड भी की थी, जिसमें हम विक्रम लैंडर द्वारा मून के सरफेस के करीब की खींची गई तस्वीरों को देख सकते हैं, जिसमें हमें उनकी सरफेस पर मौजूद कई फेमस क्रेटर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे कितनी गर्व की बात है ना, साइकिल से शुरू हुआ इसरो का सफर आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। अगर आप इसरो के इस राइज की कहानी डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुकू FM पर मौजूद ऑडियो शो राइज ऑफ इसरो को जरूर सुने। ये 97 मिनट्स की ऑडियो बुक इसरो की बिगिनिंग से लेकर फादर ऑफ रॉकेट कहे जाने वाले विक्रम साराभाई की स्टोरी एंड इंडिया की प्राइड PSLV रॉकेट जैसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ओनली 11 एपिसोड्स में कवर करती है। यही नहीं, कुकू FM पर आपको इंडियन उड़ान फ्रॉम चंद्रयान टू मंगलयान, क्लासिफाइड, हिडन ट्रुथ इन द इसरो स्पाई स्टोरी, लार्ज हैड्रोन कोलाइडर जैसी डिफरेंट जॉनरा की ऑडियो बुक्स भी मिल जाएंगी। कुकू FM भारत का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिस पर 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है, और हर महीने इस पर 4200 घंटों का नया कॉन्टेंट अपलोड हो रहा है। काफी समय से मैं भी पर्सनली कुकू FM को इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड बिलीव मी, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है, जैसे मेरी लाइफ में कई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स कुकू FM के 4200 प्लस आवर्स के कंटेंट को यूज कर रहे हैं, और साल 2023 में अभी तक 45 लाख आवर्स का कंटेंट प्ले हो चुका है, मतलब 1.5 लाख आवर्स का कंटेंट डेली। और अब वेरी फर्स्ट टाइम कुकू FM मेरे अंतरिक्ष टीवी सब्सक्राइबर्स को फर्स्ट मंथ में फ्लैट 50% ऑफ दे रहा है, यानी 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन केवल 49 रुपीज में मिल जाएगा। तो जल्दी से डाउनलोड करो कुकू FM, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, और फिर इसने अपनी जर्नी मून के साउथ पोल की ओर स्टार्ट की। 23 अगस्त को 6:04 पर विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर दी, और इस तरह इसरो ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने के बाद इतिहास रच दिया। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, हाउ डस चंद्रयान 3 कम्युनिकेट विथ इसरो। तो देखो, चंद्रयान 3 और इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन दो फेज में पूरा होता है। नंबर 1, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द जर्नी, जो कि अर्थ से चांद तक के बीच का रास्ता होता है। नंबर 2, कम्युनिकेशन आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, यानी अर्थ से चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद इसरो और विक्रम लैंडर के बीच होने वाला कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर। तो देखो, चंद्रयान 3 के फर्स्ट फेज की शुरुआत 14 जुलाई को इसके लॉन्च के बाद से ही हो गई थी, जब चंद्रयान 3 ने अपने LVM-3 रॉकेट के साथ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी।
अब उस समय भी ये लगातार इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि IDSN के कॉन्टैक्ट में था, जिसमें टोटल 3 सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेशन बनाए हुए थे, जिसमें इसरो का IDSN नेटवर्क अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद इनसैट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के कॉन्टैक्ट में था, और फिर ये सैटेलाइट सीधा चंद्रयान 3 से कम्युनिकेशन बनाए हुए थी। पर ये कम्युनिकेशन तभी तक रहा जब तक चंद्रयान 3 उड़ान के बाद अर्थ के इलेप्टिकल ऑर्बिट तक पहुंच नहीं गया, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल ने सीधा इसरो के IDSN नेटवर्क से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। और फिर 17 अगस्त को विक्रम लैंडर के मून के 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर के प्रोपल्सन मॉड्यूल से सेपरेशन के बाद से ही अब विक्रम खुद भी इसरो के IDSN नेटवर्क से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा था। अब जानते हैं इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के बारे में। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, इसरो के खुद के पास भी अपना डीप स्पेस नेटवर्क है, जो बिल्कुल उसी तरह का डीप स्पेस नेटवर्क है जैसा नासा अपने डीप स्पेस मिशंस जैसे वॉयजर स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करने या फिर मल्टी प्लैनेटरी मिशंस लाइक मार्स पर रोवर एंड लैंडर से कॉन्टैक्ट करने के लिए प्रयोग करती है। अब देखो, इंडिया के डीप स्पेस नेटवर्क की बात की जाए तो इसे शॉर्ट में IDSN के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क दुनिया की सबसे एडवांस डीप स्पेस नेटवर्क में से एक है, जो भारत के कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव ब्यालालू में मौजूद है। इसे यहां स्पेशली चंद्रयान 1 के लिए इसरो द्वारा 17 अक्टूबर 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क में टोटल 3 बड़े डिस्क टाइप एंटीना हैं, जिनमें सबसे बड़ा करीब 5 मंजिला चौड़ा यानी कि 32 मीटर का है, जबकि इससे छोटा IDSN एंटीना 18 मीटर का है, और सबसे छोटा IDSN एंटीना भी करीब 2 मंजिला चौड़ा यानी कि 11 मीटर वाइड है। और भारत के इस डीप स्पेस नेटवर्क की सबसे खास बात यह है ना कि ये स्पेसक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए या डेटा को रिसीव करने के लिए दुनिया भर में मौजूद दूसरे देशों के डीप स्पेस नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर पाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, ऐसे में अगर इसरो के IDSN की पोजीशन किसी ऐसे तरफ हो जहां से इसे चंद्रयान 3 से कम्युनिकेट करने में समस्या आ रही हो, तो ऐसे में IDSN नेटवर्क सीधा दूसरे देशों के डीप स्पेस नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है, जिनकी जानकारी इसमें ऑलरेडी फीडेड होती है। अब ये ज्यादातर वो कंट्रीज होती है ना जिनके साथ इसरो के ऑलरेडी डीप स्पेस नेटवर्क से रिलेटेड एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रोसकॉस्मोस जो रशियन स्पेस एजेंसी है, या फिर नासा। अब देखो, ऐसे में अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट इनमें से किसी भी डीप स्पेस नेटवर्क की रेंज में रहता है तो उनकी मदद से भी इसरो का IDSN नेटवर्क उस स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, जो सच में काफी माइंड ब्लोइंग चीज है। वैसे क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सो विक्रम लैंडर और अर्थ पर इसरो के IDSN नेटवर्क के बीच इस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने का काम कर रहे हैं विक्रम पर लगे टोटल 14 एंटीनास, जो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर मौजूद चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम के हर एक डायरेक्शन में लगे हुए हैं। जहां पर टोटल 14 विजिबल एंटीनास है, इन्हीं की मदद से विक्रम इसरो से कम्युनिकेट कर पा रहा है। और ये 14 एंटीनास ही वो शक्ति है जो विक्रम लैंडर को इसरो के IDSN और इसे अर्थ पर मौजूद हर देश के डीप स्पेस नेटवर्क जैसे अमेरिका, यूरोप और रशिया के साथ कम्युनिकेशन करने और डेटा ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी देता है। विक्रम लैंडर पर लगे ये अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंटेड एंटीनास ही वो है जो लगातार चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर के बैटरी लेवल, फ्यूल लेवल और थ्रस्ट के रियल टाइम डेटा को इसरो तक भेजता रहता है, जिससे इसरो लगातार स्पेसक्राफ्ट की कंडीशन और कोऑर्डिनेट्स पर नजर बनाए रख पाती है। अब देखो, स्पेस में भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट में अर्थ से कांटेक्ट करने के लिए ज्यादातर TTC एंटीनास का प्रयोग किया जाता है, और देखो चंद्रयान 3 में भी इन्हीं एंटीनास का प्रयोग किया गया है, जिसमें TTC का मतलब होता है टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड एंटीना, जहां टेलीमेट्री का मतलब ऐसे एंटीना से होता है जो स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ, बैटरी लेवल, फ्यूल लेवल, थ्रस्ट लेवल का सारा डेटा स्पेस एजेंसी के डीप स्पेस नेटवर्क तक भेजता है। अब ट्रैकिंग एंटीनास, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंटीनास स्पेसक्राफ्ट की ट्रैकिंग रिलेटेड डेटा को स्पेस एजेंसी के साथ रियल टाइम पे शेयर करता रहता है, जैसे एग्जैक्ट वेलोसिटी और करंट लोकेशन क्या है। और अगर आपने भी साल 2019 में चंद्रयान 2 की लैंडिंग वाला वो लाइव ग्राफ देखा है ना, तो वो ग्राफ भी चंद्रयान 2 के लैंडर द्वारा सेंड किए गए रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा पर ही बेस्ड था। इसीलिए लैंडर के मून सरफेस पर क्रैश होने के बाद उसके एंटीनास के डिस्ट्रॉय हो जाने पर लैंडर से डेटा मिलना बंद हो गया और हमारा कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गया था। अब देखो, इसके बाद आता है कमांड एंटीना, और ये वर्ड ही सिंपल है कि ये एंटीना एक रिमोट कंट्रोल की तरह है जो स्पेस एजेंसी द्वारा भेजी गई कोई भी कमांड को स्पेसक्राफ्ट में रिसीव करने और अप्लाई करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कभी इसरो खुद चंद्रयान 3 की डायरेक्शन या स्पीड को चेंज करना चाह रहे हैं तो
सबसे पहले ये कमांड अपने कंप्यूटर्स को देनी होगी, जो इस कमांड को पहले IDSN नेटवर्क को सेंड करेंगे और IDSN नेटवर्क इस कमांड को चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट के TTC एंटेनास तक भेजेगा और फिर जिसे TTC एंटेना रिसीव करके स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन और स्पीड इसरो की कमांड के मुताबिक चेंज कर देगा। अब दोस्तों TTC एंटेनास की एक सबसे खास बात यह है कि ये काफी छोटे डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी इनसे आप लार्ज अमाउंट में डेटा को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद इन्हें स्पेसक्राफ्ट में इसीलिए प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इनकी मदद से हम लॉन्ग डिस्टेंस और इवन एस्ट्रोनॉमिकली डिस्टेंस तक भी डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, जैसा कि हम चंद्रयान 3 में कर रहे हैं या फिर नासा वॉयजर स्पेसक्राफ्ट में कर रही है, जो पृथ्वी से इस वक्त बिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर मौजूद है। TTC एंटेनास ऑन चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि चंद्रयान 3 में प्रयोग किए गए TTC एंटेनास का अपीयरेंस काफी छोटा है, जो काफी स्मॉल और सिलेंड्रिकल शेप में मेजरली 2 के पेयर्स में विक्रम लैंडर के अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं, जिसमें विक्रम लैंडर के फ्रंट डोर और बैक साइड पर 2 TTC पेयर एंटेनास लगे हुए हैं। अब ये पेयर्स में इसीलिए है क्योंकि इन दोनों में से एक TTC एंटेना इसरो के IDSN से आने वाले डेटा या फिर कमांड को रिसीव करता है, जबकि दूसरा लैंडर द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा या फिर लैंडर से रिलेटेड कोई भी दूसरी डिटेल्स को इसरो के IDSN नेटवर्क तक भेजने का काम करता है। वैसे अगर आपने कभी विक्रम लैंडर के 3D मॉडल को ध्यान से देखा होगा तो आपको विक्रम लैंडर के बिल्कुल ऊपर टॉप में 3 TTC एंटेनास लगे हुए दिखाई देंगे, जिसको देखकर मन में ये सवाल जरूर आता है कि जब सभी साइड्स में लगे TTC एंटेनास 2-2 के पेयर्स में है तो इसके टॉप पर ये एक्स्ट्रा तीसरा एंटेना क्यों लगा है। और सवाल बिल्कुल सही भी है क्योंकि सही मायने में ये एक्स्ट्रा थर्ड एंटेना इसरो का ना कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करता है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, बल्कि इसका एक बिल्कुल डिफरेंट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है और वो है मून सर्फेस पर घूमते हुए एक्सपेरिमेंट कर रहे प्रज्ञान रोवर से कम्युनिकेट करने का एंड रोवर द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को रिसीव करके विक्रम लैंडर पर लगे हुए दूसरे TTC एंटेनास की मदद से उसे इसरो तक भेजने का। और देखो यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि इन तीनों में से 2 एंटेना रोवर के इन्फॉर्मेशन को अर्थ तक सेंड करने के लिए, क्योंकि सही मायनों में इन दोनों एंटेना का रोल भी बाकी दूसरे TTC एंटेना से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ तक कि एक तरह से कहूं तो ये एक बैकअप प्लान की तरह है, जिसमें अगर कभी चंद्रयान 3 से किसी कारणवश इसरो का कम्युनिकेशन टूट जाता है तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में इन तीनों में से कोई 2 TTC एंटेनास फिर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कम्युनिकेट करेंगे, जो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का कम्युनिकेशन फिर से इसरो के IDSN नेटवर्क से एस्टैब्लिश करेगा और इस तरह फिर से इनका कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर भी देखो ये एक बैकअप प्लान ही है, वैसे तो हम ऑलरेडी मून पर सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं, बट अगर फ्यूचर के आने वाले दिनों में किसी भी कारण से विक्रम का कम्युनिकेशन इसरो से लॉस्ट हो जाता है तब इस बैकअप प्लान को यूज किया जाएगा। पर यहीं से एक और सवाल पैदा होता है कि जिस तरह इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर पर उसका खुद का TTC एंटेना नेटवर्क लगाया है, जो कि उसे डायरेक्टली इसरो के IDSN नेटवर्क से कनेक्ट करने की कैपेबिलिटी देता है, तो इसरो ने इस तरह का कम्युनिकेशन प्रज्ञान रोवर में क्यों नहीं किया था? आखिर क्यों प्रज्ञान रोवर का एंटेना डायरेक्ट इसरो के IDSN नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकता? तो जैसा कि आप पिक्चर्स में ही देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 में भेजा गया प्रज्ञान रोवर साइज में काफी ज्यादा छोटा है। इसका कारण है कम बजट, जिसके कारण इसरो ने रोवर को काफी छोटा बनाया है। इसके अलावा इसको पावर देने वाली बैटरी भी काफी छोटी है, जिसका मेजर पोर्शन इस रोवर के मोटर्स, कैमरास, व्हील्स को चंद्रमा के साउथ पोल पर चलने और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए ड्रिल और लेजर जैसे इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करने के लिए खर्च हो जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट TTC एंटेनास, तो ये एंटेनास कम्युनिकेशन के दौरान काफी ज्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं। अब देखो लैंडर तो अपने बड़े साइज और बड़े सोलर पैनल्स और बड़े बैटरी के कारण इन्हें हैंडल कर सकता है, पर प्रज्ञान रोवर के पास इतनी पावर है ही नहीं कि वो इस तरह के बड़े TTC नेटवर्क एंटेना के पावर कंजम्पशन को संभाल सके। इसीलिए इस पर एक काफी छोटा एंटेना लगाया गया है, जिसकी रेंज काफी कम है, लेकिन इस एंटेना के जरिए रोवर काफी आसानी से अपने लैंडर से कम्युनिकेट कर सकता है और लैंडर अपने कई सारे TTC एंटेनास के जरिए इस इंफॉर्मेशन को इसरो के IDSN नेटवर्क तक पहुंचा सकता है। अब दोस्तों अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें इसरो ने S बैंड फ्रीक्वेंसी वाले TTC एंटेनास का प्रयोग किया है। अगर इन एंटेनास के सिग्नल कवरेज की बात की जाए तो ये TTC एंटेनास स्पेसक्राफ्ट के जिस साइड लगे होते हैं वहां पर 180 डिग्री यानी कि हाफ स्फीयर की कवरेज देते हैं, इसीलिए इसरो
इसरो ने विक्रम के हर एक साइड में एक TTC एंटेना लगाया है ताकि विक्रम चाहे किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो हर तरह से इसरो से उसका कम्युनिकेशन बना रहे। वैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अभी चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो चुके चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो क्या आप इस बात को मानोगे? वेल, यकीन करना काफी मुश्किल है बट ये पॉसिबल है। तो इसमें कई एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वाले लोग अपना खुद का स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाकर बैठे हैं और सोलर सिस्टम में घूम रहे डिफरेंट स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेट करते हैं। वैसे ये कम्युनिकेशन किसी स्पेस एजेंसी की तरह इतना एडवांस नहीं होता कि वो स्पेसक्राफ्ट को कोई कमांड दे सके या उसके किसी डेटा में चेंज कर सके, बल्कि इसके बजाय इन कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए ये लोग केवल स्पेसक्राफ्ट से आने वाले डॉपलर फ्रीक्वेंसी चेंजेस को रिसीव कर पाते हैं और डॉपलर फ्रीक्वेंसी में होने वाले चेंज की मदद से ये स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ का अपडेट लगातार ले सकते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपके पास भी एस बैंड फ्रीक्वेंसी 2084.56 मेगाहर्ट्ज को कैप्चर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप भी मून के साउथ पोल पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का रियल टाइम डॉपलर फ्रीक्वेंसी चेंजेस ग्राफ को रिसीव कर सकते हैं। वैसे ये काफी इंटरेस्टिंग बात है ना, तो क्यों ना इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक कर दिया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले इस वीडियो में #WeLoveIsro इसका स्पैम कर दो, जितना हो सके वी लव इसरो फैला दो, देखते हैं कि कितने लोग इसरो के प्रति सच में प्यार करते हैं। दोस्तों, जाने से पहले कुको FM को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यूज करना मेरा प्रोमो कोड ATV50 फॉर 50% फ्लैट डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी 99 की जगह केवल 49 रुपीज लगेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, अगर आप नए चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।